बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, हम वक्त हो गए। आज आपके सामने जो शॉर्ट टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ, उसका ताल्लुक आपके बच्चों की तरबियत के हवाले से। जैसे आपके सामने मुस्तकिल मैं इस तरह के टॉपिक लाता रहता हूँ, मुसलसल कई टॉपिक्स आप सुन चुके होंगे, लेकिन इस ये टॉपिक दूसरे टॉपिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इस टॉपिक में मैं आपके सामने जो चीज़ें डिस्कस करूँगा यकीनन वो आपके लिए सीखने की तरफ एक कदम होगी। मैं समझता हूँ कि जैसे आप लोग अपनी फैक्ट्रियां बनाते हैं, अपने स्कूल्स बनाते हैं, अपने कॉलेजेस बनाते हैं, अपने रेस्टोरेंट्स बनाते हैं, अपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, आप लोग किसी भी पेशे से वाबस्ता हैं, आप कहीं भी जॉब करते हैं, जब आप तमाम चीज़ों का क्वालिटी का उस प्रोडक्शन में ध्यान रखते हैं, उस प्रोडक्शन कंट्रोल के वक्त आप ध्यान रखते हैं कि उसमें क्वालिटी जो है मेंटेन हो, क्वालिटी अच्छी हो, तो वहाँ आप या ऐसे लोग जो अपने बच्चों की तरबियत की तरफ ध्यान नहीं देते, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि बच्चे भी आपकी प्रोडक्ट हैं। ज़रूर आप इनके जो है किसी तौर पर वाली हैं, आप निगरान हैं, आप कहीं इनकी निगहबानी करते हैं, इनकी परवरिश करते हैं, तो ये परवान चढ़ते हैं। आप अगर इनमें तराश तराश ना करें, इनके अंदर छांट और तराश तराश का काम ना लें, तो ये बच्चे जो है फिर ऐसे दरख्त बन जाते हैं तनावर के, जो कांटों के साथ बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे कांटों को यकीनन जो है अगर फूलों के साथ भी हो तो लोग जो है वो रद्द कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम बच्चों की तरबियत में इस बात का ख्याल रखें कि वो हम क्वालिटी प्रोडक्शन के तौर पर उनकी तरबियत जो है करें, हम कोशिश करें कि जैसे हम अपने काम को, अपने जॉब को अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से अंजाम देने की कोशिश करते हैं, जैसे हम लिबास पर तवज्जा देते हैं, जैसे हम अपने बोलने पर, अपनी गुफ्तार पर, अपनी शख्सियत पर तवज्जा देते हैं, ऐसी हमें चाहिए हम बच्चों की तरबियत पर भी उनकी जो है ऐसी तवज्जा दें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसी अपनी औलाद को ऐसी तरबियत दें कि जिसकी वजह से दुनिया में वो आपके लिए, रहती दुनिया में आपके लिए सवाब का बायस हो और रहती दुनिया में लोगों के लिए वो जो है सपोर्ट का बायस हो। ऐसे लोग परवान चढ़ाएं कि जो माशरे के ऐसे सपूत और आला सतून बने जो मुल्क और मिल्लत के काम आए, जो अपने मज़हब के काम आए, जो अपने माशरे के काम आए, ना कि ऐसे लोग परवान चढ़वाएं कि जो खारदार हो, जो नुकसानदा हो, जो ऐसे नौकीले और तुरश हों कि जो लोगों को नुकसान दें और उनकी शख्सियत से लोगों का नुकसान हो। ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि वालदेन का, असातज़ा का, सबका किरदार इसमें शामिल है। खुसूसन वालदेन जो है अगर अपने बच्चों पर तवज्जा दें, उनकी शख्सियत पर तवज्जा दें, तो वो माशरे को ऐसे पुरखलूस शख्स दे सकते हैं, ऐसे माशरे को ऐसे सुकून दे सकते हैं जो माशरे के लिए ताबुन करें, माशरे को आगे लेके बढ़ें, माशरे की तरक्की की राह में जो है वो ताबुन करते हुए माशरे को तरक्की की राह पर गामजी कर सकें। मैं समझता हूँ कि आप एक छोटी सी बात से बहुत कुछ सीखेंगे और मेरा मैसेज लोगों तक पहुँचाएँगे। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, पाकिस्तान को मजबूत बनाते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।